रानी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बेसन का लड्डू बनाने जा रही हूँ। ये बहुत झटपट और आराम से बन जाएगा। हम बाजारों में बेसन के लड्डू लाते हैं, वो अच्छा नहीं रहता है, ये एकदम प्योर रहेगा। तो आइए देखिए कैसे बनता है, इसमें किन किन सामानों की आवश्यकता है। 200 ग्राम बेसन, पिसी हुई चीनी 200 ग्राम, 100 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम और 2 कुटी इलायची है इसमें। ये अभी कढ़ाई को मैं गैस पर रख दी हूँ, कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें मैं बेसन को डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह चलाने हैं, चलाते रहना है थोड़ा देर। इसको मैं 1 मिनट तक भूनूंगी। अभी इसमें घी नहीं डाली हूँ, 1 मिनट के बाद में मैं घी डालूंगी। 1 मिनट हो गया, अभी मैं इसमें घी को डालूंगी। 150 ग्राम घी मैं पहले डाल रही हूँ, फिर डालने के बाद में चला करके देख लेंगे कि बराबर है क्या। अभी इसको इसी तरह मैं भूनते रहूंगी ब्राउन होने तक। देखिए इस तरह इसको मैं भून रही हूँ। अरे छनाटे में लग जाएगा तो इसको चम्मच से निकाल करके इस तरह से और फिर मिलाकर भूंजिए। इसको अच्छी तरह भूनना है, इस तरह दबा दबा कर, क्योंकि इसमें घी थोड़ा ज्यादा हो गया है। कम घी डाल करके भी भून सकते हैं। देखिए अच्छी तरह भून गया। मैं इसको जो घी डालने के बाद में स्लो आंच पे भूंजी हूँ, तो इसके बाद में मैं सूखा फ्रूट इसमें डाल दूंगी और ये चीनी भी मिक्स कर दूंगी। और गैस को मैं ऑफ कर रही हूँ। ऑफ करने के बाद में इसको मैं अच्छी तरह मिलाऊंगी। देखिए इसको मैं अच्छी तरह मिला ली हूँ, सब कुछ सूखा फ्रूट चीनी सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो गया है। मैं इसको 5 मिनट के लिए रख दूंगी ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद लड्डू बनाएंगे। ये 5 मिनट हो गया, ठंडा हो गया। अब इसको इस तरह ले करके दोनों हाथों से इस तरह लड्डू बनाएंगे। इस तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। दोस्तों इसी तरह आप भी बेसन के लड्डू बनाइए, खाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।